सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत तेज वाली बारिश शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं बाहर आई थी क्योंकि मुझे आधार कार्ड में कुछ चेंजिंग करवानी थी, तो इस वजह से आई थी। और सडनली इतनी तेज बारिश कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज बारिश है। काफी खुशनुमा हो चुका है जिसकी तो कोई हद ही नहीं है, बट बिन मौसम वाली बारिश नहीं हो रही है अभी। तो मौसम में तो बारिश हुई नहीं एक दिन भी, लेकिन अभी हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग। और आज ना कल का जो ब्लॉग था ना, मैं कंटिन्यू आज कर रही हूँ। नहा ली हूँ मैंने आज, सर पे मेहंदी वगैरह लगाई थी और अभी बस निकल करके पूजा वगैरह करी है। अभी खाना नहीं खाया है मैंने, खाना खाऊंगी और बस थोड़ा बहुत सिंपल सा रेडी हुई। आज मैंने ये मेरी चिकनकारी की कुर्ती पहनी, बहुत दिनों बाद पहनी है। सारे कपड़े बहुत ज़्यादा लूज होते जा रहे हैं मुझे। और मैं क्या बोलने वाली थी, अभी तो मुझे ना ज्वार की रोटी बनानी है, ज्वार नहीं सॉरी बाजरे की रोटी बनानी है। इस बार ना मैंने मल्टी वाला आटा नहीं पिसवाया, मैंने सिर्फ जो बाजरा होता है ना, देसी बाजरा, उसकी रोटी मैंने मतलब उसकी रोटी बनाऊंगी। अभी सब्जी मैंने बना दी है। और सब्जी मैंने क्या बनाई हूँ मैं आपको, ऐसा हो रहा है कि पूरा व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाती हूँ यार। शाम को दिन में तो मैं ना थोड़ा सा लेट गई थी, फिर उसके बाद में मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और वैसे घर में रहते हैं ना तो यार दिखाने का ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या बनाया है। आजकल ना वो जो टमाटर की चटनी चल रही है ना वायरल, टमाटर की चटनी जिसको आधा आधा हाफ कट करके और थोड़ा सा उल्टा डाल करके जो वायरल चटनी चल रही है ना आजकल, इंस्टा पे भी आता है इसका वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आता है, तो वो बनाई है। सैलड भी बनाना है, मूंग चने वाला सैलड बनाऊंगी जिसमें ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू वगैरह छिड़क करके बनाऊंगी, तो वो भी मस्त लगता है। और अब मैं बैक कैमरा से ही वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कैसा आएगा, मैं कैसी दिखाई दूँगी ये भी मुझे पता नहीं है। बट देखती हूँ कि अच्छा, अगर मैंने सही कर लिया इससे शूट तो फिर मैं ऐसे करने वाली हूँ। और अभी तो मेरे मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, अभी बस बालों को अच्छे से कॉम करना है, थोड़े थोड़े गीले हैं, बस अभी मैं इसी सिचुएशन में इनको कॉम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे मेरे बाल। लौकी की सब्जी थोड़ी सी तरी वाली बनाई। तो गाइस अब जाकर के मुझे खाना नसीब हो रहा है। तो छाछ तो मैंने पी ली है और बाकी का मैं आपको सैलेड, ये है वायरल टमाटर की चटनी जो भी चल रही है ना वो, ये है लौकी की सब्जी, ये है बाजरे की रोटी और ये अचार। आज ना बहुत ज़्यादा चुहियाएँ देखी है मैंने घर में, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और पता नहीं यार कहाँ से आती, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप क्या मंगवाया दक्ष अपन ने चुहियाओं को पकड़ने के लिए? रेड ट्यूट रैप, येलो कलर का इंसान भी फंस जाए, ऐसा तो नहीं है हाँ, मतलब अपना हाथ वगैरह आ जाए तो चिपक जाता है। बहुत सारी लगाया। अच्छा तो दक्ष ने भी खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है, इसको दवाई भी मैंने दे दी है क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और इसके एग्जाम आते हैं और इसको बुखार चढ़ता है और जुकाम होता है। ये तो मैंने देखा है दो तीन बार हो गया है ना दक्ष ऐसा आपके साथ में, तो
अब आज अब जाकर के मैं फ्री हुई हूँ। बहुत ज्यादा लेट हो गई यार, लेट उठने में तो यार लेट ही हूँ, पूरे काम में सारा लेट। हाँ बेटा, कार सर्विस हो गई है तो डैडी कह रहे हैं कि कार लेने चले। हाँ तो ले आएंगे, हाँ देख लेना आपके साथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी रेस्ट जोन में जाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ी देर के बाद में आपसे बात करती हूँ। हेलो हेलो गाइस, तो अभी दोपहर का बजने वाला है 3, अभी 3 नहीं बजे वैसे तो, और हम जा रहे हैं गांव में क्योंकि मेरी मम्मी और पापा वहाँ आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ से घर से चाय बना के और लेके चलते हैं वहाँ। उनको भी पता नहीं है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, है ना। चलो, राजू भी हमारे साथ है और दक्ष भी है साथ में। आज सब हाय कर दो। हाय 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 हाय, बहुत तेज गर्मी है। हाय सो गाइस, गांव से आने के बाद में मैं काम में लग गई थी, तो हम लोग बना रहे हैं अभी खाना ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। खाने में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। रोटी बन रही है, दूध गर्म हो रहा है एक साइड में, और ये है हमारी गोभी की बढ़िया तरीदार झोलदार अच्छी सी सब्जी, और ये है हमारी दाल तड़का है ये, और साथ में ये देख सकते हैं आप फ्राइड बैंगन बनाए थे मैंने। फ्राइड बैंगन है, थोड़ा ऊपर से दिखाइए। इतनी सारी चीज़ें बनाई है, दक्ष अभी खेल के आया है, और बस अभी मैं अच्छी सी आपको पसीने में लथपथ नज़र आऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जैसे पूरे वीडियो में ही बोलती आ रही हूँ ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि फटाफट से निपट जाएगा काम, है ना। और तवे पर ही रोटी सेकना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप डायरेक्ट फ्लेम पर सेकते हैं तो हम तो तवे पर ही सेकते हैं। आप कमेंट में बताना कि आप कैसे रोटी को सेकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम पर सेकते हैं या तवे पर सेकते हैं। गाइस, मैं कल के व्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ क्योंकि आज से मुझे नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करनी है। तो कल का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, यानी कि आपके लिए तो आज का ही व्लॉग है, तो आज का व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यशवी कुमारी ऑफिशियल, तो वहां जाकर के आप बहुत सारी रील्स देख पाएंगे, मुझे फॉलो जरूर कर लेना। लेकिन और मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में।